गर्मी आ गई है और हमें कुछ ठंडा ठंडा मीठा खाने की इच्छा आती है, तो मैं लाई हूँ इंस्टेंट रबड़ी। नेक्स्ट रेसिपी आने वाली है मैंगो फलूदा कुल्फ़ी। आप सबका स्वागत है वेज रसोई माधुरी पे। चलिए बनाते हैं इंस्टेंट रबड़ी। मैंने आधा लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, आप कौन सा भी दूध ले सकते हैं, पैकेट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ दूध। ये याद रखिएगा कोई भी चौड़ा बर्तन होना ज़रूरी है। ये पैन ले लीजिए या कढ़ाई लीजिए आप। अब इसको बॉईल होने रख देते हैं। मैंने दो आटा ब्रेड के स्लाइस लिए हैं बड़ी वाली, आप कौन सी भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, मैदे की या ब्राउन ब्रेड। और यदि ब्रेड नहीं है तो आप दो बड़ा चम्मच आटा दूध या पानी में घोल सकते हैं, जैसे कस्टर्ड पाउडर घोलते वैसे। अब इसको मैं क्रम्स बना लूँगी, फ्रेश ब्रेड का ही बनाना है आप, ये याद रखिएगा। ये देखिए इस तरीके से ये हो गया है। अब यहाँ दूध गर्म हो गया, मैं ये क्रम्स डाल रही हूँ। उसी जगह पे आप अगर क्रम्स ब्रेड क्रम्स नहीं हो तो आप आटे का जो घोल हमने बनाया था वो डाल सकते हैं, उसको मिक्स करते रहें ताकि लगे ना नीचे। याद रखिएगा गैस हमें सिम पे ही रखना है। ये बॉईल होने लगा है। यहाँ पे मैंने आधा कप मिल्क पाउडर लिया है, आप कौन सा भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं। ये देखिए बॉईल होने आया है, देखिए थोड़ा सा दूध गाढ़ा हो रहा है। अब मैं मिल्क पाउडर डाल दूंगी। आप चाहे तो इसको दूध में पहले भी आप कस्टर्ड की तरह इसको घोल के डाल सकते हैं ताकि इसमें लम्स ना बने। अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप शक्कर या 4 बड़े चम्मच, या आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि मिल्क पाउडर डाला है तो ऑलरेडी मीठा रहता है, तो आप उस स्वाद अनुसार शक्कर डाल सकते हैं। अब इसको 2 मिनट तक पकाइए, देखिए मिलाते रहिए। अब इसमें मैं बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, अपने चॉइस के कौन से भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ बादाम, काजू और पिस्ता यूज़ किया है। अब देखिए इसको पकने दीजिए, देखिए बॉयल होने आया है 2 मिनट तक। अब ये गाढ़ी होने लगी, अब इसको गैस बंद कर दीजिए और ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ठंडा होने के बाद ही इलायची पाउडर डालेगा, मैंने आधा चम्मच इलायची पाउडर डाली। लीजिए रेडी हो गई है, बाजार जैसी गाढ़ी दिख रही है ना। अब इसको 1 घंटा फ्रिज पर रख दीजिए आप। बहुत ही आसान है, मिनटों में रेडी हो जाती है, और गर्मियों में स्पेशली घंटों हमें गैस पे पकाना नहीं पड़ता। लीजिए रेडी हो गई है इंस्टेंट रबड़ी।